दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत के रुपए की क्या वैल्यू है? दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी लोग अपने यहाँ पर घूमने आया है और उसे अपने यहाँ पर कोई चीज़ परचेस करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ पर माचिस की प्राइस लगभग 1 रुपये है, इंडिया रुपीज़ में 1 रुपये है। अगर उसे पाकिस्तानी रुपये देना हो और उसे एक माचिस ख़रीदना हो तो उसे लगभग 3.41 रुपये देना होंगे, जब वो अपने यहाँ की एक माचिस परचेस कर सकता है। तो दोस्तों, वैल्यू का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भारत के पड़ोसी देशों में भारत के रुपये की वैल्यू के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने पड़ोसी देशों में भारत के रुपये की वैल्यू। सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 3.41 पाकिस्तानी रुपये है। अब बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 1.05 अफगानी रुपये है। अब दोस्तों बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 25.41 कयात है, क्योंकि वहाँ की करेंसी का नाम कयात है। अब दोस्तों बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 1.7 नेपाली रुपये के बराबर है। अब दोस्तों बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में दोस्तों हमारे 1 रुपये की वैल्यू 184.98 रुपया, क्योंकि वहाँ के जो करेंसी का नाम है वो रुपया है, तो दोस्तों उसके बराबर है, यानी कि हमारे 1 रुपये की वैल्यू 184.98 रुपया के बराबर है। अब दोस्तों बात की जाए चाइना की, तो चीन में दोस्तों हमारे 1 रुपये की वैल्यू 0.083 अजान है, क्योंकि वहाँ की करेंसी का नाम युआन है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें चीन का एक युआन ख़रीदना तो हमें 12 रुपये देना पड़ेंगे लगभग। अब दोस्तों बात की जाए मालदीव की, तो दोस्तों मालदीव में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 0.19 रुपया के बराबर है, मालदीव रुपया के बराबर। अब दोस्तों बात की जाए हमारे पड़ोसी देश भूटान की, तो भूटान में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 1 नगोत्रम के बराबर है, क्योंकि वहाँ की करेंसी का नाम नगोत्रम है। अब दोस्तों बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हमारे 1 रुपये की वैल्यू 3.91 रुपये के बराबर है। अब दोस्तों बात की जाए हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसकी करेंसी का नाम टका है, तो वहाँ पर हमारे 1 रुपये की वैल्यू 1.29 टका के बराबर है। तो दोस्तों ये थी हमारे पड़ोसी देशों में हमारे 1 रुपये की वैल्यू। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।